हूँ भावना, और फ्रेंड्स मैं आज एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका मतलब ये हम पूछेंगे लोगों से कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है सडनली, तो आप क्या चेंजेस लाएंगे, अगर आप चेंजेस कैसे किस वे में लाएंगे, मतलब अगर आपको कंट्री के लिए कुछ करना है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो हम लोगों से पूछेंगे कि अगर उनको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो वो क्या करेंगे। तो चलिए लोगों से पूछते हैं, जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपका नाम? विक्रांत। विक्रांत, सपोज अभी आपको कोई ना सुपर पावर मिल जाती है सडनली, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, और आप मतलब कंट्री के लिए या किसी भी चीज़ में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, उस पावर कैसे यूज़ करेंगे? मैं सबसे पहले अपना कॉलेज तोड़ दूंगा जाके। बहुत ही बुरा है। क्यों, कॉलेज से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कुछ मैनेज नहीं कर पाते सही से। okay. हाँ, और कॉलेज कम वो स्कूल ज़्यादा है। अच्छा, स्कूल से मतलब प्रॉब्लम आपको ज़्यादा, मतलब वहाँ पर वो है, लेट हो तो एंट्री नहीं मिलती और फैकल्टीज अच्छे नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। कौन से कॉलेज में वैसे आप? सुंदरदीप कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। आपका नाम? एंजल। वाओ, एंजल बहुत अच्छा नाम है आपका। सो एंजल, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो आप मतलब क्या चेंजेस लाने चाहेंगे, या आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो यहाँ की जो ये सोच है ना दुनिया में लोगों की, इसे चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत गलत सोचते हैं लड़कियों के लिए लोग, तो वो चेंज करना चाहती हूँ बस गर्ल्स के लिए। और मतलब वो चेंजेस आप कैसे लाएंगे, मतलब लोगों पे क्या, मतलब सुपर पावर होगी तो जादू करके ही लाऊंगी। अब ऐसे तो आ नहीं सकती। आपका नाम? बलराज। बलराज, अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाती है तो आप कैसे उसका यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही यूज़ करूँगा कि जो हमारी कंट्री में एक तरीके की प्रथा सी बन गई है, कल्चर बन गया, रेप कल्चर, उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितना मुझसे हो सकेगा उसको कंट्रोल करूँगा, और ये बोलूँगा कि जहाँ पर भी किसी का अगर रेप होता है ना, तो बस कैसे ना कैसे वहाँ मुझे पहुँचा दो, बाकी और जो देखना है वो मैं खुद देख लूँगा, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो भी रोकना वोकना हो मैं खुद रोक लूँगा। बस ये है कि मुझे एक तरीके से पता चल जाए, जैसे सुपर पावर नेचुरल पावर होती है कई शोज़ में, सारी चीज़ों में, स्पाइडरमैन वगैरह, तो वैसे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आई होप सो कि अगर ऐसा कुछ होता तो आपके पास सुपर पावर होती। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक, सपोज आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? पहले तो सुपर पावर में ये चाहूँगा कि गायब होने की मिल जाए, और फिर उसके बाद देखूँगा करप्शन कौन कौन करता है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो वीडियो बना के जो भी प्रूफ लेके, लाइक मिस्टर इंडिया। हाँ, लाइक मिस्टर इंडिया। हाँ, तो फिर उसके प्रूफ इकट्ठे करके कौन कौन करप्शन करता है, तो उसको लेके फिर मतलब वही है, जो भी अथॉरिटीज़ होंगी हाँ उनको दूंगा, फिर उसके बाद इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि सबसे अभी मैं प्रोटेस्ट में से ही आ रहा हूँ, SSC की प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी धांधलेबाजी होती है, तो उसी को लेके सबसे पहले तो वो मतलब करप्शन मेन मुद्दा है कहने का मतलब। तो आप मतलब कंट्री के लिए ही करेंगे? कंट्री के लिए ऑब्वियसली। ओके, आपका नाम? सचिन। सचिन, सपोज करिए आप घर पे बैठे हो और आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है सडनली, तो आप उसका कैसे यूज़ करेंगे, कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या कुछ भी? उसका मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि अगर कहीं भी कोई लड़की अगर कोई डेंजर में होगी ना, तो बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, बाकी मैं देख लूँगा, बस वहाँ मुझे पहुँचा दो, मेरे सुपर मुझे वहाँ पहुँचा दे, बाकी मैं देख लूँगा। आप गर्ल्स के लिए करेंगे? हाँ, सेफ्टी के लिए। ओके, वैसे आपको हमारा ये सिस्टम कैसा लगता? सिस्टम तो ठीक ही है, अभी बंदा चेंज तो कर सकता नहीं, सबको चेंज करना पड़ेगा तभी सिस्टम ठीक होगा। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत से लोगों से बातें करी, जाना कि अगर उन्हें कोई सुपर पावर मिल जाती है तो उनका कैसा रिएक्शन होगा, वो क्या चेंजेस लाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, बोला जाता है कि हमारा यूथ जो है वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है, हमारा यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और ये मैं अपने आंसर्स के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि हमारा यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लाते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, देखते रहे अराइव एंटरटेनमेंट।